Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss our 14th chapter, A Service of Law, which is written by O. Henry. यानी आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 14 जिसका नाम है A Service of Law पढ़ने जा रहे हैं. इसके राइटर हैं O. Henry. O. Henry ने इसे लिखा है. So now let's start the chapter. आ सर्विस, सर्विस मीन्स सेवा, लव मीन्स प्रेम या प्यार, यानी प्यार की एक सेवा. लव के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमें जो है हमेशा एक दूसरे की फीलिंग्स का, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और हमें जो है प्रेम, एक दूसरे के प्रेम को समझना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हेन One loves one's art, no service seems too hard. This is our premise. The story shall show that the premise is incorrect. That will be a new thing in a logic. Joy was ingenious for pictorial art. At six, he had drawn a picture of the town pump. At 20, he left for New York. Delia's interest lay in music. Her relatives pooled money and sent her to New York for better training. अब इसे समझते हैं बच्चों. One when माने जब, one loves यानी कोई loves one's art यानी जब कोई किसी के कला से प्रेम करता है, किसी के उद्देश्य से प्रेम करता है. नो सर्विस सीम्स टू हार्ड, तो उसे कोई भी सेवा कठिन नहीं लगती. यानी अगर हम किसी की भावनाओं को समझते हैं तो हम हर काम को आसान से कर सकते हैं. दिस इज द प्रीमीज, प्रीमीज का मतलब होता है आधार. ये हमारा आधार है, यानी ये बात सही है. द स्टोरी शैल शो, ये कहानी हमें बताती है दैट माने कि द प्रीमीज इज इनकरेक्ट, ये आधार गलत है. That will be a new thing in a logic. यानी इसमें एक नया तर्क है जो सामने आएगा. ये कहानी है जॉय, एक जॉय नामक व्यक्ति की और एक डेलिया नामक लड़की की. यानी जॉय और डेलिया जो है, ये इन दोनों की कहानी है. ये किस तरह से एक दूसरे के प्रेम को समझते हैं और एक दूसरे के लिए अपने जो इनका उद्देश्य था उसे त्याग देते हैं. Joy was ingenious for pictorial art. यानी जॉयस जो है बड़ा ही सरल है. Ingenious माने सरल, सिंपल, एक सरल क्या है, कलाकार है. At six, जब वो छह साल का था, he had drawn a picture of town pump. तो उसने शहर का एक पंप था, एक पंप की क्या बनाई थी, तस्वीर बनाई थी. At 20, जब वो 20 साल का हो गया, he left for New York, तो वो न्यूयॉर्क के लिए चल दिया. डेलिया इंटरेस्टेड ले इन म्यूजिक, डेलिया का इंटरेस्ट था म्यूजिक में यानी संगीत में. हर रिलेटिव्स पूल्ड मनी, हर रिलेटिव्स पूल्ड मनी यानी जो उसके रिश्तेदार थे वो पूल माने जमा किया मनी, पैसे जमा किए. एंड सेंड हर टू न्यूयॉर्क, और उसे न्यूयॉर्क भेज दिया फॉर बेटर ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के लिए. जॉय एंड डेलिया मीट एट अ मीटिंग, यानी जॉय और जो डेलिया थे वो एक मीटिंग, एक सभा, एक मीटिंग हुई, वहां पर वो मिले. वेयर माने जहां, अ नंबर ऑफ आर्ट, बहुत सारे आर्ट यानी कला के छात्र, एंड म्यूजिक स्टूडेंट्स और संगीत के छात्र, हैड गैदर्ड इकट्ठा हुए टू डिस्कस मिस, आपस में डिस्कस करने के लिए. ग्रेट पेंटर्स एंड म्यूजिशंस, ग्रेट डिस्कस ग्रेट पेंटर्स एंड म्यूजिशंस, वहां पर बड़े बड़े कलाकार आए और बड़े बड़े जो संगीतकार थे वो भी उस मीटिंग में आए, जहां पर जॉय और डेलिया आपस में मिले. देवर ड्रॉन टूवर्ड्स ईच अदर इन अ शॉर्ट टाइम, यानी देवर ड्रॉन डाउन्स, वे दोनों टूवर्ड्स माने एक दूसरे की तरफ, ईच अदर एक दूसरे की तरफ, इन अ शॉर्ट टाइम बहुत ही कम समय में एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए. वर मैरिड, और उन्हें आपस में शादी की.
They join hands to serve art. They join hands to serve art. यानी उन्होंने जो थे अपने हाथ आपस में मिलाए serve art कला की सेवा के लिए. They began to live in a flat. उन्होंने एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया. And they were happy. वो बड़े खुश थे. For मैंने क्योंकि they had their art. क्योंकि उनके पास उनकी क्या थी, कला थी. उनकी आपस की उनका एक एक उनका उद्देश्य था. उनकी अलग अलग एक कला थी. डेलिया की थी म्यूजिक और जो जोय था उसका था पेंटर बनने की. जो कला थी उनमें वो उनकी कला उनके साथ थी. एंड दे हैड ईच अदर. वो दोनों आप एक दूसरे के साथ थे. दे एंजॉय ट्रू हैप्पीनेस. वो एक सच्ची खुशी का आनंद ले रहे थे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. जॉय जॉइंड आर्ट क्लासेस अंडर द ग्रेट पेंटर मैजिस्टर. He had to pay high fees. Delia was studying piano under Rosen. They were mightily happy as long as their money lasted. Their aims were very clear and defined. They hoped to excel one day in their respective fields. But after a while, art flagged. They lacked money to pay Mr. Magister and Rosen. So, Delia said she must give lessons to keep the pot boiling. One evening she came home elated. Means Joy ने join किया art classes. Joy ने जो था वो कला की classes join की under the great painter magister. Magister नामक एक महान painter के पास वो जो है कला सीखने जाया करता था. He had to pay high fees. उसे वहां पर फीस भी देनी पड़ती थी. यानी वहां पर वो फीस देता था तभी वो सीखता था. डेलिया वाज स्टडिंग. डेलिया अध्ययन कर रही थी पियानो. पियानो का अंडर रोजन. रोजन नाम की एक लेडी थी उसके यहाँ वो पियानो सीखने जाती थी. दे वर माइटली हैप्पी. वो बड़े खुश थे एज लॉन्ग एज देयर मनी लास्टेड. यानी जब तक उनका पैसा खत्म नहीं हुआ जब तक वे खुश थे. Their aims, उनके जो उद्देश्य थे वर वेरी क्लियर एंड डिफाइंड. उनके जो उद्देश्य थे बड़े साफ सुथरे थे. उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है. दे होप्ड, उन्हें उम्मीद थी टू एक्सेल वन डे इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स. यानी उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कामयाब होंगे. बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन कुछ समय पश्चात आर्ट फ्लैग्ड. उनका जो आर्ट थी, जो उनकी कला थी, वो मंद पड़ गई, धीमी पड़ गई. फ्लैग का मतलब धीमी पड़ना. दे लैग्ड मनी. उन्हें पैसे की कमी होने लगी टू पे मिस्टर मैजिस्टर एंड रोजन. यानी मिस्टर मैजिस्टर और रोजन की फीस देने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो गए. सो डेलिया सैड. डेलिया ने कहा शी मस्ट गिव लेसन्स. यानी उसे शी मस्ट गिव लेसन टू कीप द पॉट बॉइलिंग. डेलिया ने कहा कि शी आया है रोजन के लिए कि रोजन को कुछ शिक्षा, कुछ प्रेरणादायक शिक्षा हमें देनी चाहिए अपना कार्य जारी रखने के लिए. टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है अपना कार्य जारी रखने के लिए. लेसन्स का मतलब शिक्षा. कि रोजन को हमें अपना कार्य जारी रखने के लिए कुछ शिक्षा देनी चाहिए. वन इवनिंग माने एक शाम. शी केम, वह आई. होम मिस घर. इलेटेड मतलब होता है खुश, उत्तेजित होकर, खुश होकर एक दिन जो थी डेलिया घर पर आई. सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. आप सबको इसके अच्छे से रीडिंग करनी है, जो भारी वर्ड्स मीनिंग है वो याद करने हैं. सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू.